और मतलब 52 गली 53 बाजार दिया जले 56,000, इसका मतलब क्या हुआ? पास कोई हम लोग के पास आते नहीं है, बस आता है तो वोट मांगने आता है, वोट मांग कर जीत जाता है, चला जाता है अपना घर। तो फिर दोबारा भी आएगा? वो दोबारा आएगा तो वोट देंगे, तो फिर वायदा होगा, जैसा कि हमारे देश की परंपरा बन चुकी है कि एक बार आइए वायदा कीजिए फिर दूसरी बार 5 साल के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अनोखा पोस्ट चैनल में। और आज एक बार फिर हम आए हैं ऐतिहासिक जगह पर। जी हाँ, एक ऐसा ऐतिहासिक जगह जिसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जिसे सुनकर शायद आप भी दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। ये बक्सर जिला का डुमराव है और डुमराव का भोजपुर प्रखंड। ये जो आप मेरे पीछे किला देख रहे हैं ये शायद अब नहीं बचेगा। गांव वालों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है, इस किले का नाम नौरत्न किला है और ये 9 ताड़ ऊंचा था। इस किले से दिल्ली देखा जा सकता था। जी हाँ, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और आज हम यहाँ के कुछ गांव वालों से बात करने की कोशिश करेंगे और इसके इतिहास को एक बार फिर उजागर करने की कोशिश करेंगे। और एक कोशिश ये होगी कि सरकार इस पर ध्यान दे और इसे एक बार फिर से, उसी नौरत्न किले को एक बार फिर से पर्यटक स्थल बनाने का काम करे। तो आज हम यहाँ पर यहाँ के गांव वालों से कुछ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये किला, अगर इसे सरकार सहेजने का काम करती है तो यहाँ पर क्या से क्या हो सकता है, टूरिस्ट स्थल बनाए जा सकते हैं, लोग यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि ये किला अपने आप में एक इतिहास बताता है। हाँ, जर्जर इसी तरह जर्जर है। जन्म क्रम नहीं था तभी से देख रहे हैं। जब आपका जन्म क्रम नहीं था तब से, मतलब ये पहले से, काफी पहले से है। देखभाल कोई नहीं कर रहा है इस गांव का, सब नेता लोग अपना खाता है, रोटी सेकता है। तो इसमें देखिए, ऐसा इस किले के बारे में कहा जाता था कि इस किले से दिल्ली देखा जा सकता था, क्या ये सच है? हाँ, ये बात सच है। ये बात सच है, मतलब इस पे कितना ऊंचा था? 9 ताड़ ऊंचा था। ये 9 ताड़ ऊंचा था, ये 9 ताड़ ऊंचा था और यहाँ से दिल्ली देखे जाने की बात कही जाती है। और उस जमाने में इस किले की दुर्दशा होनी शुरू हुई, क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ पे जो भी लोग आएंगे या फिर यहाँ से अगर दिल्ली दिखता है तो वो अंग्रेजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और उस वक्त से ही इस किले की दुर्दशा होनी शुरू हुई थी। लेकिन आज यहाँ पर जब भारत आजाद हो चुका है तो भी यहाँ पर इसकी कोई देखभाल नहीं है। कहीं ना कहीं ये भारत के लिए, ये बिहार के लिए, ये बक्सर जिले के लिए एक ऐतिहासिक जगह है, एक ऐतिहासिक स्थल है। जो किला है अब वो बिल्कुल ढहने के करीब है, बिल्कुल बीच से फट चुका है ये किला। ऐसे टूरिस्ट स्थल यूं ही बर्बाद हो जाएंगे तो आखिर बिहार में बचेगा क्या? जी, हम लोग का ये ऐतिहासिक चीज है, यहाँ के तो हम लोग पुराने जमाने के बाबा दादा के नाम से सुने हैं कि 52 गली 53 बाजार दिया जल रहा था 56,000, इसके ऐतिहासिक हम लोग पढ़े हैं। यहाँ के किला के ऐतिहासिक रहना चाहिए। और मतलब 52 गली 53 बाजार दिया जले 56,000, इसका मतलब क्या हुआ? अब जो ऐतिहासिक हम लोग का बाबा दादा जो सुनाए है कहानी, ये कहानी हम लोग सुन के और स्टोरी में भी देखें, हम लोग इतिहास में भी पढ़े हैं ये सब, यहाँ के ये तो ऐतिहासिक चीज़ है, ये मिटना नहीं चाहिए। इसके सरकार को आगे से आगे कुछ करना चाहिए सरकार को, ताकि ये गांव के ऐतिहासिक चीज़ रहे। मतलब लोग भी चाहते हैं यहाँ आगे कि ये एक ऐतिहासिक जगह है, ये एक ऐतिहासिक स्थल है, इसे रहना चाहिए, इसे संजोना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को इससे फ़ायदा हो। अगर आप इसे फ़ायदे के तौर पे देखेंगे तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? यहाँ सरकार चाहेगा तो हर किसी को रोज़गार भी मिल जाएगा, यहाँ मार्केट लगने लगेगा कि गरीब तक ही कुछ काम करे कि ताकि वो लोग का बाल बच्चा जिए। जाहिर सी बात है कि जब टूरिस्ट प्लेसेस विकसित होते हैं तो वहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलता ही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों के द्वारा कहा जाता है, तो ये टूट कर पार्क बनेगा। जब उन्होंने वायदा भी किया था कि यहाँ पर जो है कि टूट के पार्क बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरे यहाँ कुछ नहीं होगा सर, यहाँ कुछ नहीं होगा। भाजपुर में, भाजपुर में सब खाने वाले है, कोई के इंदिरा आवास दो बार चार बन जाता है, कोई के एको बार नहीं बनता है। देखिए झोपड़ी में हम लोग रहते हैं, सब अपने ही खाता है, सब कोई खाने वाला है, पैसा सब लोग खाने वाला, सब पैसा सब अपना झोली भरता है। तो यहाँ पर लोगों के लिए, लोगों में एक गुस्सा है अपने जनप्रतिनिधियों के लिए भी कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, इनके रोजगार से जुड़ा हो या फिर इनके मकान से जुड़ा हो। देखिए बात जब निकलती है तो दूर तलक चली जाती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग एक बार देख रहे हैं इस अभी ये जो इंटरव्यू चल रहा है इसमें, तो इसमें बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जिन्हें अपने इतिहास के बारे में शायद पता हो या ना हो, या फिर ये गिर जाने के बाद ये इतिहास कोई बच्चा जानेगा भी नहीं। हम लोग कोई इतिहास बचना चाहिए, सब
भूखे मर रहा है। यहाँ होना चाहिए कि ताकि कोई दूर दराज से आता है तो नौरत्न किला के बारे में पहले जानता है कि चलो थोड़ा नौरत्न किला कैसे है देख लेते हैं। यहाँ तो गंदगी भर गया है, अभी दूर दराज से आदमी आता है तो आदमी यही सोचता है नौरत्न किला जाएंगे तो कितना अच्छा नौरत्न किला, जैसे हम लोग ताजमहल जाते हैं बड़ी शौक से घूमने के लिए कि ताजमहल के देखते हैं कि हम लोग वहाँ के आदमी जानता है कि ताजमहल के बारे में, जैसे हम लोग नौरत्न किला के बारे में लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक है। यहाँ तो पूरा गंदगी हो गया है, सब सरकार का विचार करना चाहिए इसको लेकर। मतलब जो लोग दूर से आते हैं इस गांव में, जो इनके दोस्त रिश्तेदार, उन्हें लगता है कि उन्होंने पहले से गूगल पे देखा होता है कि नौरत्न किला है भोजपुर में, तो वो ये सोच के आते हैं कि ये शायद ताजमहल जैसा होगा। ताजमहल जैसा होगा कि जैसे हम लोग ताजमहल घूमने जाते हैं बड़ी शौक से ताजमहल देखेंगे, जैसे वैसे ही नौरत्न किला है। यहाँ के भोजपुर के आदमी के लिए ऐतिहासिक है, दूर दराज से आदमी आता है तो सोचता है ऐतिहासिक चीज है, थोड़ा मतलब ये काफी लंबा है, बहुत लंबा है, लेकिन अब जो है कि यहाँ तो सुरंग भी निकला था, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कहाँ कहाँ से नेता आया। अच्छा, यहाँ पे सुरंग निकला था, अभी वहाँ के घेराबंदी कर दिया गया है तार से कि वहाँ कोई जाए नहीं। अभी जो है कि इसकी खुदाई नहीं हुई है, घेर दिया गया है। अगर तो फिर खुदाई अगर होगी तो उसमें क्या लगता है आप लोगों को, उसमें क्या होगा? वही पुराना जमाना का जो स्टोरी होगा वो अपना निकलेगा। हम लोग तो अभी आज के नए नौजवान हैं, पुराना इस सब जमाना के हैं सब। मतलब अगर पुराने जमाने के लोग होते तो शायद वो बता पाते। हाँ। बिल्कुल यही कि जैसे ये गिर जाएगा तो इन लोगों के बाद फिर बताने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, जब दिखेगा नहीं तो लोग जानते नहीं। थोड़ा बहुत बचा है जो ऐतिहासिक है, लोग आते हैं दूर दराज से देखने के लिए नौरत्न किला के बारे में जानने के। थोड़ा थोड़ा बचा है, थोड़ा ये बचा है, थोड़ा छठी घाट और है, थोड़ा सा डुंगरी है। मतलब काफी लंबा एरिया था लेकिन अब बीच में कहीं कहीं बिल्कुल ऐसे ही रह गया है। मतलब अनुमान से आदमी लगाता है कि 52 गली 53 बाजार और दिया जल रहा था 56,000। यहाँ के चौड़ाई लंबाई कितना है, मतलब ये इतना बड़ा रहा होगा कि इसके बारे में लोग कहते हैं कि 52 गली 56 बाजार दिया जले 56,000, ठीक है ना? तो इतना बड़ा जहाँ पे 56,000 दिया जलते हो और 52 गलियाँ हो, 53 जो है कि बाजार हो, तो वाकई में एक कितना बड़ा बसा बसाया एक किला और एक धरोहर सब बर्बाद हो गया। देखते देखते खाली उत्तर प्रदेश देखते हैं मोदी जी और नया भोजपुर बिहार बक्सर जिला में नहीं आते हैं, खाली उत्तर प्रदेश जय श्री राम बोलते हैं, खाली उधर काम होगा, आप बिहार में कुछ नहीं काम होगा। तो मतलब नीतीश कुमार कुछ नहीं करता है। अच्छा, नीतीश कुमार कुछ नहीं। हाँ, तब जब प्रधानमंत्री यहाँ है तो थोड़ा बिहारों में आकर देखे क्या रीत है भाई, कहे क्यों नहीं आते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हमारे घर में आइए, देखिए कि बक्सर जिला का नया भोजपुर गांव में नरोत्तमगढ़ है, आकर देखे किस हाल में है। ऐतिहासिक चीजें देखना चाहिए, हम लोग का मुख्यमंत्री के भी कुछ इस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐतिहासिक चीज है, मिट रहा है, दूर दराज से आदमी। ऐतिहासिक चीज है, लोगों का कहना है कि एक बार इसे संज्ञान लेना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि इसे बचाया जा सके और जो इतिहास होता है वो वाकई में इतिहास होता है, वो आपके पुरखों से लेकर आपके आने वाली नस्लों तक के लिए होता है।